सूर्य की सतह का टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। वहीं अगर धरती की इनर कोर की बात करें तो उसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब ऐसा क्यों है कि जो सूर्य पूरी धरती के लिए एक ऊर्जा का स्रोत है, जिसकी वजह से ही इस धरा पर जीवन थिरक रहा है, उसी सूर्य का तापमान हमारी धरती की इनर कोर से कम है। जबकि हम सब जानते हैं कि सूर्य के अंदर हर पल न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से सूर्य की सतह इतनी गर्म है। लेकिन हमारी पृथ्वी के अंदर तो ऐसी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रही है जो इसे इतना गर्म रख सके। तो आखिर क्यों पृथ्वी की इनर कोर सूर्य की सतह से इतना ज्यादा गर्म है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखे रहिएगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को मुख्यतः चार लेयर्स में बांटा है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। पृथ्वी के ऊपर जिस लेयर पर हम रह रहे हैं उसे क्रस्ट बोला जाता है। ये लेयर बाकी की अन्य लेयर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पतली और ठंडी है। पृथ्वी पर जो चारों ओर जीवन फैला हुआ है वो इसी पतली सी क्रस्ट पर टिका हुआ है। पृथ्वी की क्रस्ट ज्यादातर लाइट एलिमेंट से बनी हुई है, जैसे कि सिलिका, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन इत्यादि। पृथ्वी की क्रस्ट लगभग 60 किलोमीटर तक मोटी है, जिसे दो भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो लैंड मास को कवर किए हुए है और हम सब इसी पर रहते हैं, और दूसरा भाग है ओशियनिक क्रस्ट, जो पूरी तरह से पानी से कवर है। क्रस्ट के नीचे मेंटल लेयर मौजूद है, जो कि लगभग 2900 किलोमीटर तक मोटी है। मेंटल ज्यादातर सेमी बोल्टन रॉक से बनी हुई है, जिसे मैग्मा कहा जाता है। इस लेयर के ऊपरी भाग में रॉक्स थोड़े हार्ड होते हैं, और जैसे जैसे इस लेयर के अंदर घुसते जाएं तो रॉक्स सॉफ्ट होते जाएंगे, और इसकी गहराई में जाकर वो रॉक्स बिल्कुल पिघल जाते हैं। आपको बता दूं कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी भूकंप आते हैं उसका मुख्य कारण ये मेंटल लेयर ही है, क्योंकि इस मेंटल लेयर में कन्वेक्शन करंट पैदा होते हैं, जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होने लगती है और पृथ्वी पर भूकंप आने लगते हैं। अगर आसान भाषा में कहूं तो जिस तरह से गर्म हवा ऊपर उठती है और ऊपर जाकर वो हवा ठंडी होती है, और वो ठंडी हवा फिर से नीचे आने लगती है, नीचे आने के बाद वो ठंडी हवा पृथ्वी के वातावरण की वजह से फिर से गर्म होने लगती है और फिर से ऊपर की ओर उठने लगती है, और ये साइकिल लगातार चलती रहती है। इसे ही कन्वेक्शन करंट कहा जाता है। सेम यही प्रोसेस पृथ्वी की मेंटल लेयर में चल रहा होता है। पिघले हुए रॉक्स ऊपर उठने लगते हैं, ऊपर जाकर वो रॉक्स ठंडे होते हैं, और फिर वो ठंडे रॉक्स नीचे आने लगते हैं। नीचे आकर वो रॉक्स पृथ्वी की आउटर कोर से मिल रही हीट की वजह से पिघल कर फिर से ऊपर जाने लगते हैं। इस साइकिल की वजह से मेंटल में बड़े बड़े कन्वेक्शन करंट पैदा होने लगते हैं। अब चूंकि मेंटल के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स तैर रही होती है, तो इन कन्वेक्शन करंट की वजह से इन प्लेट्स में मूवमेंट होने लगती है, जिस वजह से पृथ्वी की सतह झटके महसूस होने लगते हैं। मेंटल लेयर की वजह से ही पृथ्वी पर अन्य जियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती रहती हैं, जैसे कि वोल्केनिक एक्टिविटीज। हमारी धरती का ओवरऑल डायनेमिक्स। मेंटल के बाद आती है पृथ्वी की आउटर कोर, जिसे आप धातु की हॉट वॉल भी बोल सकते हो। पृथ्वी की आउटर कोर इतनी ज्यादा गर्म है कि इसमें मौजूद मेटल पिघली हुई अवस्था में रहती है। आउटर कोर लगभग 2300 किलोमीटर तक मोटी है, और इसमें ज्यादातर आयरन और निकल पिघली हुई अवस्था में मौजूद है। आउटर कोर का टेम्परेचर लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस है। आपको बता दूं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ये आउटर कोर बहुत ज्यादा उत्तरदायी है। अगर ये आउटर कोर ना हो तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं हो। वो कैसे चली जानते हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरज से हमें केवल हीट और रोशनी नहीं मिलती, बल्कि सूरज पृथ्वी पर चार्ज पार्टिकल्स और सौर हवाओं की बौछार भी करता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद जीवन को बहुत बड़ा खतरा होता है, जो इन सौर पवन की वजह से पल भर में विलुप्त हो सकता है। स्वभाव से पृथ्वी के पास एक अदृश्य कवच मौजूद है, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड, जो इन सौर हवाओं को पृथ्वी पर आने से रोकता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड रूपी अदृश्य कवच पृथ्वी की आउटर कोर की वजह से ही बना है। फाइनली आउटर कोर के बाद आती है हमारी पृथ्वी की इनर कोर, जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच ठीक सेंटर में मौजूद है, जो कि लगभग 1200 किलोमीटर तक मोटी है। इनर कोर का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि आउटर कोर से भी बहुत ज्यादा गर्म है। मजेदार बात यह है कि पता है कि इसमें मेनली आयरन और निकिल सॉलिड रूप में मौजूद है। अब ये कैसे संभव है कि आउटर कोर का टेम्परेचर इनर कोर से कम था, लेकिन फिर भी उसमें ये मेटल्स पिघली हुई अवस्था में थी, लेकिन इनर कोर में हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी यही मेटल्स सॉलिड रूम में है। इसका कारण है कि पृथ्वी की इतनी गहराई में इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो इतनी ज्यादा हीट होने के बावजूद भी इन मेटल्स को पिघलने नहीं दे रहा है, जिस वजह से पृथ्वी की इनर कोर सॉलिड है। अब हमने तो ये जान लिया कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि पृथ्वी की कोर के पास आखिर इतना हाई टेम्परेचर आया कहाँ से, जो कि सूर्य की सतह से भी ज्यादा है? चलिए जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी का जन्म आज से करीब
4.6 बिलियन साल पहले एक सोलर नेबुला से हुआ था। जब हमारी पृथ्वी बनी थी तब ये धधकते हुए लावा की एक बॉल थी। समय के साथ साथ पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी होती गई और इसमें मौजूद हीट पृथ्वी की ठोस सतह के नीचे कैद होकर रह गई। पृथ्वी में जो हल्के एलिमेंट्स थे वो ऊपर आ गए और जो भारी एलिमेंट्स थे वो कोर की ओर चले गए। एक थ्योरी ये भी कहते हैं कि जब हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स बने ही थे तब कुछ प्लैनेट्स का ऑर्बिट स्टेबल नहीं था, जिस वजह से वो प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ टकराने लगे। माना जाता है कि ऐसा ही एक थिया नाम का प्लैनेट्स हमारी पृथ्वी से भी टकराया था और उस महाविस्फोट की वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया और उस भीषण टक्कर से पैदा हुई हीट आज भी हमारी पृथ्वी के केंद्र में मौजूद है, जिस वजह से पृथ्वी की कोर इतनी गर्म है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की कोर में हीट के बनने का एक और कारण है रेडियो एक्टिव डिके। पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल में यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स मौजूद हैं। इन एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं जो उस समय के साथ डिके रहते हैं और हीट प्रोड्यूस करते रहते हैं। वो हीट पृथ्वी की कोर में चली जाती है जिससे पृथ्वी की कोर का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस वजह से पृथ्वी की कोर बहुत ज्यादा गर्म है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि पृथ्वी की कोर का तापमान सूर्य से ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह पृथ्वी अलग अलग लेयर से बनी हुई है उसी तरह सूर्य के अंदर भी अलग अलग लेयर्स मौजूद हैं। जैसे कि सूर्य की कोर जो सूर्य का केंद्र है, आप बोल सकते हो कि सूर्य की कोर वो चीज है जो सूर्य को ऊर्जा के स्रोत बनाती है। सूर्य की कोर एक बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम कर रही है। सूर्य की कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती रहती है जिससे प्रकाश और हीट निकलती है। सूर्य की कोर का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ये तापमान सच में पृथ्वी की कोर से तो बहुत बहुत ज्यादा है। सूर्य की कोर इतनी बड़ी है कि इसमें 1000 से भी ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। सूर्य की कोर के ठीक ऊपर जो लेयर मौजूद है उसे रेडिएटिव जोन बोला जाता है। ये एक ऐसा रीजन होता है जहाँ ऊर्जा और फोटोन यानी कि लाइट के रूप में बाहर आती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोर में जो फोटोन यानी कि प्रकाश पैदा होता है उसे इस रेडिएटिव जोन को पार करने में लगभग 1,00,000 सालों का वक्त लग जाता है। मतलब जो प्रकाश सूर्य की पृथ्वी तक महज 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाता है उसे सिर्फ रेडिएटिव जोन को पार करने में ही 1,00,000 सालों का वक्त लग जाता है। बात आती है तीसरी लेयर जो है कन्वेक्टिव जोन, और इस लेयर का टेम्परेचर कम होकर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस रह जाता है। इस लेयर में हीट कन्वेक्शन करंट के द्वारा बाहर निकलती है। कन्वेक्शन करंट क्या होता है मैंने आपको अभी बताया था। और इसके बाद आती है सूर्य की चौथी लेयर यानी कि सूर्य की सतह जिसे हम पृथ्वी से देख पाते हैं, और इस लेयर का नाम है फोटोस्फीयर। सूर्य की सतह ठोस नहीं बल्कि 482 किलोमीटर मोटी प्लाज्मा की एक अपारदर्शी लेयर है। इस लेयर के द्वारा सूर्य की कोर में जो हजारों साल पहली ऊर्जा उत्पन्न हुई थी वो बाहर निकल पाती है, और सूर्य की ये सतह उस ऊर्जा को अंतरिक्ष में छोड़ती है जिसे हम पृथ्वी पर 8 मिनट बाद महसूस करते हैं। सूर्य की इस सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। हम जो अभी बात कर रहे थे कि पृथ्वी की कोर का तापमान सूर्य की सतह से ज्यादा है वो हम इसी फोटोस्फीयर की बात कर रहे थे। हालांकि इसके बाद भी सूर्य के अन्य लेयर्स भी मौजूद हैं जो कि सूर्य के एटमॉस्फेयर से बनी है, जैसे कि क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन लेयर और कोरोना। इनके बारे में हम किसी वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों को जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।